नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रुचि भार्गव, सहायक प्राध्यापक, खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रणजीत एवेन्यू, अमृतसर। विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में छोटे समूह में परिचर्चा विधि के बारे में विचार विमर्श करेंगे। समूह चर्चा का अर्थ है किसी प्रश्न, प्रकरण या समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना, उनका परीक्षण करना और उनकी जाँच करना। देखिए, जब भी हम चर्चा करते हैं तब कोई ना कोई बिंदु या प्रकरण पर और उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं कि क्या जो हम उनके बारे में जानते हैं क्या वो ठीक है या गलत, और फिर आपसी विचार विमर्श के द्वारा उनकी जांच करते हैं। समूह चर्चा विधि प्रश्न उत्तर से आरंभ होकर अनिर्देशित उपागम की ओर अग्रसर होती है, अर्थात समूह चर्चा का आरंभ प्रश्न उत्तर से होगा और प्रश्न उत्तर से आरंभ होकर वो अनिर्देशित उपागम की ओर अग्रसर होगी। अनिर्देशित उपागम अर्थात शिक्षक को ये पता नहीं होता कि जो समूह चर्चा उसने शुरुआत करी है उसका अंत किस उपागम पर होगा, इसलिए इसको हम अनिर्देशित उपागम की संज्ञा देते हैं। कक्षा में संपूर्ण समूह चर्चा से छोटे समूह चर्चा बेहतर होती है, अर्थात आप पूरी कक्षा को एक समूह बना के अगर चर्चा करते हैं और उसी कक्षा के विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह अगर बना देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जब संपूर्ण कक्षा को आप चर्चा का हिस्सा बनाते हैं तो कक्षा अव्यवस्थित सी लगती है। इसलिए आपने जब भी अपनी कक्षा में समूह चर्चा विधि से पढ़ाना है तो आप छोटे समूहों का निर्माण करिए और फिर उन समूहों में चर्चा कराइए। समूह चर्चा को लोकतांत्रिक और विद्यार्थी केंद्रित विधि माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जितनी विधि लोकतांत्रिक और विद्यार्थी केंद्रित होगी विद्यार्थी उतना ही अच्छा सीखेगा, क्योंकि कक्षा अधिगम में विद्यार्थी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जब उसे स्वतंत्रता दी जाती है सीखने की तो वो अपने हिसाब से अपनी मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार सीखता है। सामूहिक विचार विमर्श और समूह चर्चा का प्रयोग प्राचीन शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग था। अगर हम अपने इतिहास की तरफ जाते हैं तो हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पाते हैं, और गुरुकुल शिक्षा पद्धति में एक गुरु शिक्षा का प्रसारण और अधिगम कैसे कराते थे, वो अपने विद्यार्थियों से, अपने शिक्षार्थियों से विचार विमर्श करते थे। अर्थात आचार्य या अध्यापक उस समय कोई बात या कोई शिक्षा जब देते थे तो विद्यार्थी उसी का उत्तर और प्रतिउत्तर के साथ अपनी पूरी चर्चा का आरंभ और अंत करते थे, और इन्हीं प्रश्न उत्तर के माध्यम से जब शिक्षक उन्हें उत्तर देता था तो विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे, उसका मनन करते थे और फिर अपने अधिगम को संपूर्ण करते थे। तो समूह चर्चा आज की ही नहीं प्राचीन शिक्षा पद्धति का भी एक अभिन्न अंग है। अगर हम पाश्चात्य विचारकों की बात करें जिसमें हम अरस्तु और प्लेटो का नाम दे सकते हैं, तो उनके अनुसार भी समूह चर्चा शिक्षा अधिगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, और वे दोनों भी जब अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे तो चर्चा का उपयोग हमेशा करते थे। समूह चर्चा अधिक विद्यार्थियों को खुली भागीदारी के माध्यम से अपने विचार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। समूह चर्चा और लघु समूह चर्चा, जब हम छोटे छोटे समूह बना लेते हैं उसमें विद्यार्थी अपने मन की बातों को, अपने विचारों को और उस प्रकरण पर अपनी सोच को खुली भागीदारी के माध्यम से अपने विचार देता है। समूह चर्चा के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को 4 से 9 के छोटे समूहों में विभाजित कर देते हैं और चर्चा करने और फिर रिपोर्ट करने के लिए प्रश्न या कार्य दिया जाता है। समूह चर्चा में हम जब छोटे समूह बनाएंगे तो वो छोटे समूह 4 से 9 तक विभाजित हो सकते हैं, अर्थात एक समूह में 4, 5, 6, 7, 8 या 9 विद्यार्थी हो सकते हैं, और फिर उस चर्चा को करने
और उस चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकला, क्या सारांश निकला, वो देने के लिए रिपोर्ट बनाना और उसे शुरुआत करने के लिए प्रश्न देने का कार्य उस समूह के अंतर्गत किया जाता है। लघु समूह चर्चा में प्रत्येक समूह के पास एक समूह का नेता होना चाहिए शिक्षक के दिशा निर्देशन में, जिसे चर्चा प्रक्रिया को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हों और जो कि चर्चा में की जा रही बातों की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। देखिए, जब हम लघु समूह चर्चा करते हैं तो उन्हीं 5, 6 या 9 विद्यार्थियों में से एक समूह का नेता एक विद्यार्थी को बना देते हैं और ये नेता शिक्षक के दिशा निर्देशन में कार्य करता है और यही नेता चर्चा प्रक्रिया को नियंत्रित करता है कि चर्चा की जा रही है उसका प्रकरण पे ध्यान देगा, चर्चा कहीं अपने प्रकरण से भटक तो नहीं रही इस पे ध्यान देगा और साथ ही चर्चा में जो विद्यार्थी अपने मत शामिल कर रहे हैं उनकी लिखित रिपोर्ट भी बनाएगा। अर्थात समूह चर्चा में एक समूह का नेता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमने लघु समूह चर्चा का अर्थ समझ लिया, अब हम समझेंगे लघु समूह चर्चा की विशेषताएं। लघु समूह चर्चा की प्रथम विशेषता है मतों का विनिमय। मतों का विनिमय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। समूह चर्चा में विचार विमर्श करते समय हम क्या सोच रहे हैं, उस प्रकरण के बारे में हम कितना जानते हैं और उस प्रकरण से संबंधित विभिन्न सामग्री आपस में विनिमय करते हैं, अर्थात दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। तो ये लघु समूह चर्चा की सबसे प्रमुख विशेषता है मतों का विनिमय। लघु समूह चर्चा तथ्यों को संगठित और संबंधित करने पर जोर देती है, क्योंकि जो भी प्रकरण शिक्षक ने विद्यार्थियों को दिया है उस प्रकरण से संबंधित विद्यार्थी विभिन्न तरह के तथ्य जुटाते हैं और उन तथ्यों को संबंधित और संगठित करके आपस में उनका विनिमय करते हैं। लघु समूह चर्चा समस्या का विचारपूर्ण चिंतन है। शिक्षक ने जो भी समस्या विद्यार्थियों को चर्चा के लिए दिया है उस समस्या पर हर विद्यार्थी अपने मानसिक स्तर के अनुसार विचार बनाता है और उसका चिंतन करके आपस में एक दूसरे को प्रेषित करता है। अतः लघु समूह चर्चा विद्यार्थियों के मतों को जानने में, उनकी मन की बातों को जानने में और उनके विचारों को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। लघु समूह चर्चा में प्रतियोगियात्मक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, अर्थात दो बातें इसमें सम्मिलित हैं, पहली प्रतियोगिता और दूसरा सहयोग। अगर प्रतियोगिता सहयोग के माध्यम से की जाए तो वो प्रतियोगिता बहुत ही सफल साबित होती है। और समूह चर्चा में विद्यार्थी आपस में प्रतियोगिता तो करते हैं लेकिन सहयोग के साथ। जब प्रतियोगियात्मक सहयोग के साथ विद्यार्थी अधिगम करते हैं तो उनकी आपस की अंतःक्रिया और आपस की अंतःनिर्भरता बढ़ जाती है। लघु समूह चर्चा में विद्यार्थी अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं। ये अनुभव उनके पुराने अनुभव हो सकते हैं और उनके अभी अभी लिए गए अनुभव भी हो सकते हैं, अर्थात विद्यार्थी अपने पूर्व के अनुभव और अपने वर्तमान के अनुभवों को संगठित करके अपने विचारों को आपस में प्रेषित करते हैं। लघु समूह चर्चा क्रियाओं का व्यापक विस्तार है, अर्थात विद्यार्थी इसमें विभिन्न क्रियाएं करते हैं। विभिन्न क्रियाएं जैसे तथ्यों को संगठित करना, उनको समन्वित करना, विभिन्न समाचार पत्र, किताबें इत्यादि पढ़ना और उसके बाद उस समस्या से संबंधित मुख्य बिंदुओं को लिखित रूप में लिखना और उसका सारांश निकालना। अर्थात समूह चर्चा में क्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसमें जो समूह का नेता है वो अपना नेतृत्व भूमिका निभाएगा, जिसे समूह में लिखित कार्य करने के लिए दिया गया है वो लिखित कार्य लिखेगा, कुछ समूह चर्चा का संचालन करेंगे तो कुछ उसका सारांश निकालेंगे। अर्थात विद्यार्थी विभिन्न क्रियाएं समूह चर्चा के अंतर्गत करते हैं। समूह चर्चा से विद्यार्थियों में सक्रियता बनी रहती है।
हम देखते हैं कि जब व्याख्या विधि से आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों में अरोचकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जब प्राथमिक स्तर पर आप विद्यार्थियों से कुछ कार्य कराते हैं तो वो सक्रिय होकर अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो लघु समूह चर्चा की विशेषता है कि ये विद्यार्थियों में सक्रियता को बढ़ाती है। लघु समूह चर्चा के अंतर्गत हम समस्या का समाधान भी पाते हैं, अर्थात जो भी समस्या शिक्षक ने विद्यार्थी को दी है उस समस्या को विद्यार्थी तथ्यों के साथ शिक्षक के समक्ष लेकर आता है और उसके बाद उस समस्या का समाधान भी अपने समूह में दे सकता है। लघु समूह चर्चा वार्तालाप पर आधारित है, अर्थात इसमें हर समूह का विद्यार्थी अपने मतों को और अपने विचारों को आपस में विनिमय कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे लघु समूह चर्चा का प्रयोजन। हम लघु समूह चर्चा विधि का उपयोग कर रहे हैं कक्षा में, लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे प्रयोजन क्या है? तो सबसे पहला जो प्रयोजन है वो है विनिमय। विनिमय किस चीज़ का विनिमय? अपने विचारों का, अपने मतों का, अपनी चिंतन का, अपनी सोच का, कि हर विद्यार्थी उस प्रकरण के बारे में क्या सोचता है, सही गलत के हिसाब से अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा, दूसरों के विचारों को भी सुनेगा और फिर सही गलत का निर्णय करेगा। लघु समूह चर्चा का दूसरा प्रयोजन है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का अर्थ है कि शिक्षक ने जो समस्या विद्यार्थियों के समक्ष रखी है उनको स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को समझाना कि उसके पीछे की पृष्ठभूमि, साथ में उसके लाभ और उसकी हानियां। समूह चर्चा का अगला प्रयोजन है मूल्यांकन करना। जो भी समस्या शिक्षक अपने विद्यार्थियों को दे रहा है उसका मूल्यांकन करना भी लघु समूह चर्चा का प्रयोजन माना जाता है। लघु समूह चर्चा विद्यार्थियों को प्रेरणा भी प्रदान करती है, प्रेरणा खुद पढ़ने की, स्वयं कुछ कार्य करने की, स्वयं आलोचनात्मक चिंतन करने की और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की, अर्थात ये विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखार कर लेकर आती है। लघु समूह चर्चा निर्णयात्मक भी होती है, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। जब आप किसी चर्चा में शामिल होते हैं तो उसमें निर्णय लेना आपका एक कौशल होता है, और वो कौशल आपने लघु समूह चर्चा पर किस तरह से लेकर आना है ये आपकी कुशलता और आपके व्यक्तित्व को बताता है। तो लघु समूह चर्चा निर्णय लेने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लघु समूह चर्चा का प्रयोजन उपलब्धि प्राप्त करना भी है। उपलब्धि अर्थात जब आप अपने विचारों को आपस में विनियमित कर रहे हैं तब आप जब सही बात बताते हैं उसके एवज में आपको कुछ सकारात्मक पृष्ठपोषण भी मिलता है, और ये उपलब्धि आप में सकारात्मकता की भावना उत्पन्न करती है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे समूह चर्चा के सिद्धांत। लघु समूह चर्चा बहुत सारे सिद्धांतों पर आधारित है। लघु समूह चर्चा का प्रथम सिद्धांत है सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। सक्रिय भागीदारी अर्थात जब तक विद्यार्थियों का समूह आपस में सक्रिय होके भागीदार बनके अपना कार्य नहीं करेगा तब तक समूह चर्चा सफल नहीं हो सकती। समूह चर्चा जब आप कर रहे हैं तो हर विद्यार्थी को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। जो भूमिका उसे दी गई है उस भूमिका को जब वो निर्वहित करेगा तभी समूह चर्चा सफल साबित हो सकती है। समूह चर्चा कार्य की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य की स्वतंत्रता अर्थात आप विद्यार्थी को जो भी भूमिका दे रहे हैं उस भूमिका को करने के लिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए। जब पूर्ण स्वतंत्रता आप उसे प्रदान करेंगे तभी वो उस कार्य को कर पाएगा। लघु समूह चर्चा समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें हर विद्यार्थी को शिक्षक समान अवसर प्रदान करे। ऐसा नहीं कि जो शिक्षक के चहेते हों
या शिक्षक जिन्हें चाहता हो उन्हें ही भूमिकाएं दे, बाकी विद्यार्थियों को ना दे। इसलिए शिक्षक को हर विद्यार्थी को समान अवसर प्रदान करने होते हैं। समूह चर्चा लोकतांत्रिक अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसमें विद्यार्थी अपने स्तर के अनुसार, अपनी शिक्षा के अनुसार और अपने अवसर के अनुसार इसमें अधिगम करता है। जितनी स्वतंत्रता विद्यार्थी को आप देंगे उतना ही ज़्यादा अधिगम विद्यार्थी कर पाएगा। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करेंगे समूह चर्चा के प्रमुख घटकों के बारे में। समूह चर्चा का सबसे प्रमुख घटक है आयोजक या अध्यापक। चूँकि अध्यापक एक दिशा निर्देशक की भांति कार्य निभाता है, अतः समूह चर्चा का आयोजन और समूह चर्चा का नियोजन अध्यापक करता है। अतः अध्यापक एक आयोजक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है किसी भी समूह चर्चा का। समूह चर्चा का दूसरा प्रमुख घटक है समूह, जो कि विद्यार्थियों से निर्मित है। क्योंकि हमने कहा कि पूरी कक्षा को समूह बनाने से अच्छा है कि हम छोटे छोटे समूह बनाकर और विद्यार्थियों की उसमें भूमिका निश्चित कर दें। अतः विद्यार्थी और उन विद्यार्थियों से बना हुआ समूह समूह चर्चा का दूसरा घटक है। समूह चर्चा का तीसरा घटक है समस्या, अर्थात समूह चर्चा जब भी शुरुआत की जाए वो किसी समस्या पर आधारित होना चाहिए। तीसरा घटक जो समस्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक भी है, क्योंकि जब तक आपका उद्देश्य या समस्या निश्चित नहीं होगी तब तक समूह चर्चा आपकी सफल नहीं हो सकती। समूह चर्चा का अगला घटक है विषय सामग्री। आप जिस समस्या को समूह चर्चा के अंतर्गत लेना चाहते हैं उससे संबंधित विषय सामग्री विद्यार्थियों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो समस्या आपने विद्यार्थियों को दी है उससे संबंधित विषय सामग्री विद्यार्थी ना जुटा पाएं। और जब विद्यार्थी विषय सामग्री नहीं जुटा पाएंगे तो वो समूह चर्चा में अपने मतों का विनिमय नहीं कर सकते। अतः विषय सामग्री भी समस्या पर आधारित उपलब्ध कराना शिक्षक का कर्तव्य होगा। समूह चर्चा का अंतिम घटक है मूल्यांकन। समूह चर्चा की शुरुआत जब अध्यापक कराता है, साथ ही उसका सारांश जब वो ख़त्म हो जाए, सारांश और मूल्यांकन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। क्योंकि समूह चर्चा से क्या प्राप्त हुआ, जो प्राप्ति है वो उसका मूल्यांकन के तौर पे हम उसको लेंगे, अर्थात समूह चर्चा का मूल्यांकन भी बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे समूह चर्चा की प्रक्रिया। समूह चर्चा के घटक पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि समूह चर्चा को आपने कक्षा कक्ष में कैसे क्रियान्वित करना है। सबसे पहला चरण है नियोजन। हमने सब अधिगम विधियों में देखा कि नियोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियोजन में अध्यापक क्या क्या करेगा? नियोजन में सर्वप्रथम वो देखेगा कि कक्षा में कितने समूह बनाने हैं और उन समूहों में कितने शिक्षार्थी जिनका समान स्तर हो, जिनकी बुद्धिलब्धि और जिनकी पृष्ठभूमि एक जैसी हो, उनको एक समूह में नियोजित करेगा। उसके बाद समूह चर्चा की तैयारी। तैयारी में उस समूह का नेता किसे बनाना है, उसे क्या क्या कार्य देने हैं, कक्षा कक्ष की सजावट या बैठने की व्यवस्था, ये सब तैयारी, कक्षा कक्ष में किस तरह से उसे क्रियान्वित करना है, ये सब कार्य शिक्षक की देखरेख में होगा। तीसरा प्रक्रिया है संचालन, कि जब शिक्षक ने समूह चर्चा का नियोजन कर लिया, उसकी तैयारी कर ली, इसके बाद आपने कक्षा कक्ष में उसका संचालन करना है। संचालन करने के पश्चात समूह चर्चा खत्म होने के बाद आपने उसका मूल्यांकन करना है कि समूह, जो छोटे समूह बनाए गए थे उन समूहों में किन किन विचारों का आदान प्रदान हुआ और उसके अंत में उसका क्या निष्कर्ष निकला और अंत में आपने उसका क्या मूल्यांकन किया और अंत में सभी समूहों के अंतर्गत की गई चर्चा
का आपने निष्कर्ष पेश करना है। ये निष्कर्ष आपको समूह का नेता दे सकता है या फिर आप भी उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस तरह से समूह चर्चा की प्रक्रिया नियोजन से प्रारंभ होकर निष्कर्ष तक पहुंचती है। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे समूह चर्चा के प्रकार। कक्षा कक्ष में आप समूह चर्चा को दो तरीके से पेश कर सकते हैं, पहला अनौपचारिक चर्चा और दूसरा औपचारिक चर्चा। अनौपचारिक चर्चा में विद्यार्थियों का बड़े या छोटे समूहों में विभाजन किया जा सकता है और अनौपचारिक चर्चा के अंतर्गत कोई पूर्व निर्धारित नियम नहीं होते। अनौपचारिक चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो पहले से पूर्व नियोजित नहीं होती। इसमें शिक्षक उसी समय कक्षा को समूहों में विभाजित कर देता है और उन्हें कोई मुद्दा या प्रकरण चर्चा के लिए दे सकता है। अनौपचारिक चर्चा में कोई पूर्व के निर्धारित नियम भी नहीं होते। दूसरा प्रकार है औपचारिक चर्चा। औपचारिक चर्चा पूर्व निर्धारित नियमों द्वारा शासित होती है, अर्थात इसमें नियोजन से लेकर सारांश तक की प्रक्रिया शामिल होती है। शिक्षक पहले इसका नियोजन करता है, फिर उसका संचालन करता है और फिर अंत में निष्कर्ष निकालता है। औपचारिक चर्चा के प्रकारों में हम वाद विवाद, पैनल चर्चा और विचार गोष्ठी को ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी में पूर्व निर्धारित नियम शामिल होते हैं और पहले से इनका आयोजन शिक्षक द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे लघु समूह चर्चा के लाभ। लघु समूह चर्चा का प्रथम लाभ है समस्यात्मक समाधान की अभिवृत्ति का विकास और रचनात्मकता का विकास। देखिए, जब हम समूह चर्चा करते हैं और एक समस्या विद्यार्थियों के सामने रखते हैं तो विद्यार्थियों की उस समस्या को समाधान करने की शक्ति का विकास होता है और दूसरा उनकी रचनात्मकता का विकास होता है। रचनात्मकता का अर्थ है कि वो ऐसे बिंदु आपके सामने लाके रखते हैं जो आपने सोचे नहीं होते, तो इनसे विद्यार्थी की रचनात्मकता का विकास और समस्या समाधान की अभिवृत्ति का विकास होता है। समूह चर्चा का दूसरा लाभ है संप्रेषण कौशल का विकास। आज के दौर में संप्रेषण कौशल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। अपनी बात को दूसरे तक आप कैसे पहुंचाते हैं, ये एक कला है और इस कला को आप अपने विद्यार्थियों में कैसे विकसित कर सकते हैं, समूह चर्चा के माध्यम से। जब आप समूह चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों की अपने विचारों को, अपने मतों को बताने का कौशल विकसित होता है और ये कौशल उनको आगे आने वाले जीवन में भी बहुत सफलता प्रदान कराता है। समूह चर्चा के माध्यम से सामूहिक अधिगम होता है, अर्थात विद्यार्थी समूह में सीखना, समूह में रहना, समूह में व्यवहार करना सीखते हैं। एक समूह में किस तरह से व्यवहार किया जाता है, ये समूह चर्चा के माध्यम से विद्यार्थी सीख सकता है। समूह चर्चा से सहनशीलता का विकास होता है। सहनशीलता का अर्थ है कि दूसरों के विचारों को आप कैसे सहन करते हैं और उन विचारों को आप अपने व्यवहार में किस तरह से लेकर आते हैं, और ये सहनशीलता समूह चर्चा से विकसित होती है। समूह चर्चा से सामूहिक निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप समूह में काम करते हैं, समूह में आप किस तरह निर्णय ले रहे हैं ये भी एक तरह का कौशल है। समूह चर्चा सामाजिक अधिगम पर आधारित है, क्योंकि कक्षा एक लघु समाज के रूप में होता है और उस समाज में आपका व्यवहार, आपके विचार, आपके संवेग बहुत ही महत्ता रखते हैं। समूह चर्चा से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो विद्यार्थी जिनकी संप्रेषण कौशल, जिनका ज्ञान अधिक है, ये हमें समूह के बीच में से पता लग सकता है। समूह चर्चा से नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, क्योंकि हमने हर समूह में एक नेता बनाया है और उस नेता के क्या गुण होने चाहिए, नेता के क्या कौशल होने चाहिए, ये नेतृत्व क्षमता इस तरह से विद्यार्थी में विकसित की जा सकती है। लघु समूह चर्चा से स्व अभिव्यक्ति का विकास भी होता है, अर्थात विद्यार्थी अपने विचारों को
अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। लघु समूह चर्चा की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे ये सभी प्रकरणों के अनुकूल नहीं है, अर्थात सभी प्रकरण समूह चर्चा के माध्यम से नहीं सिखाए जा सकते। कई बार समूह चर्चा में विद्यार्थियों का एकाधिकरण भी हो जाता है, अर्थात जिन विद्यार्थियों की संप्रेषण क्षमता अच्छी होती है वो उस पूरी समूह चर्चा पर अधिकार कर लेते हैं और दूसरे विद्यार्थियों को नहीं बोलने देते, ये भी इसकी एक सीमा है। विद्यार्थियों के मध्य अरोचकता का भी विकास होता है, कई विद्यार्थियों की इसमें अरुचि उत्पन्न होती है कि समूह चर्चा के माध्यम से वो नहीं सीख पाते। समूह चर्चा सभी विद्यार्थियों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी विद्यार्थी आपस में विचार विमर्श नहीं कर सकते, उनकी कभी संप्रेषण कौशल उनका अच्छा नहीं होता या उनको इतना ज्ञान नहीं होता। कई बार समूह चर्चा में प्रकरण से भटकाव हो जाता है, समूह चर्चा में समय भी ज़्यादा लगता है। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे एक शिक्षक की भूमिका समूह चर्चा के अंतर्गत। एक शिक्षक होने के नाते आपको सबके लिए समान अवसर जुटाने होंगे। हर विद्यार्थी को आप प्रोत्साहित करिए। सभी को सही दिशा निर्देश प्रदान करना भी आपका कार्य है। विद्यार्थियों की शंका समाधान, अगर वो किसी मुद्दे पर आपस में विचार विमर्श नहीं कर पाते तो वो शंका समाधान भी आपने करना है। शिक्षक को अंत में सारांश और उसका मूल्यांकन भी करना होगा। अब हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे समूह चर्चा के सफल प्रयोग हेतु सुझाव। आपको विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अंतर्निर्भरता लेकर आनी है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का पालन भी आपने कराना है। समूह चर्चा के मध्य जो आप प्रकरण या विषय लेकर आते हैं वो रोचक और समसामयिक विषय पर आधारित होना चाहिए। विद्यार्थियों को उस प्रकरण का ज्ञान हो, ऐसा ही प्रकरण चुनें। समूह चर्चा का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। समूह चर्चा का सारांश और मूल्यांकन शिक्षक द्वारा कराया जाना चाहिए कि हमने उस समूह चर्चा से क्या सीखा और उसका क्या परिणाम निकला। तो विद्यार्थियों, आज हमने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में समूह चर्चा के बारे में पढ़ा। समूह चर्चा एक बहुत ही रोचक विधि है जिसका उपयोग करके शिक्षक अपने विद्यार्थी में सामाजिक अंतर्निर्भरता और सामाजिक अधिगम को बढ़ावा दे सकता है। धन्यवाद।